हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का, आपको पता है कि डीओई की तरफ से आपको इस सेशन का 2023 टू 24 का सपोर्ट मटेरियल की जो बुक है मैथ्स की वो मिल चुकी है ना। तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, पॉलिनोमियल्स, प्लस चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8। तीनों ही चैप्टर हमने एक साथ ही स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत कम टाइम है, बोर्ड एग्जाम आने वाले, तो धीरे धीरे तीनों चैप्टर के क्वेश्चन हम साथ साथ करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, 23 तक कंप्लीट कर लिए थे, चैनल पे अपलोड है, वहां से साथ के साथ करते रहो। आज 24 से शुरू कर लेते हैं। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर 24 में, कि 10 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका 10 कह रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है ना। कह रहा है फाइंड के, के फाइंड करो। करेंगे कैसे क्वेश्चन को वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो है के स्क्वायर प्लस का के, बी की वैल्यू है मेरे पास 68 और सी की वैल्यू है मेरे पास 6k। ठीक है, अब लेट करते हैं, लेट जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा, तो उसका रेसिप्रोकल था ना, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, के की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाया, वो होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा, सी की वैल्यू है 6k और ए की वैल्यू है के स्क्वायर प्लस का के, ये तो कट हो गए, 1 आ गया। नीचे से मैंने के कॉमन ले लिया तो के प्लस 1 बचा, ये कट गया। तो के प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 6 आ गया। यहां से देखा जाए तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में k की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फाइंड हो गई। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 25 में आपसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा जो है वो उसके आपको क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, एक और इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, वो है 1 के बराबर। क्या फाइंड करना है, तो जो ये एम है ना आपके पास सी की जगह, इसको फाइंड करना है आप। क्लियर हो गया क्वेश्चन, देखो अब इसे करेंगे कैसे, यहाँ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू मेरे पास एम है, तो सम ऑफ जीरोज मेरे पास हो जाएगा -b अपॉन ए, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान ली। एक इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 मान ली, ये क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लूँ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ये कट गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख के बीटा के निकाल लो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास पी प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। मुझे एम की निकालनी है। अब देखो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू एम है, ए की वैल्यू 1 है। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी इजिकल टू एम, एम की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 6। अब क्वेश्चन में आपको एम की ही वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर हुआ, ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो अगेन इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए, बाकी चैप्टर्स की वीडियोज भी आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा कोई और चैप्टर लगता है आपको शुरू करना है साथ के साथ की, ये भी चलता रहे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।